दोस्तों यदि आप एक फ्री फायर प्लेयर है या फिर दोस्तों आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और ऐसे में दोस्तों आपके फोन में जो सिम कार्ड है वो जियो सिम कार्ड है, तो ये तो आप जानते ही होंगे कि कुछ दिनों से जियो सिम कार्ड के इंटरनेट से फ्री फायर इल्यूमिनेट में या फिर फ्री फायर मैक्स में आईडी लॉग इन नहीं हो रहा, कुछ इस टाइप से एरर दिखाया जा रहा है। जैसे कि ये तो आप जानते ही होंगे कि कुछ दिन पहले मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप किसी दूसरे के हॉटस्पॉट लेके एक बार अपना आईडी को लॉगिन करके अपना जियो सिम कार्ड के इंटरनेट से ही फ्री फायर गेम को खेल सकेंगे। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ना ही कोई हॉटस्पॉट यूज करने के लिए बताऊंगा और ना ही किसी वीपीएन ऐप यूज करने के लिए बोलूंगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आपके फोन के ही एक ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिसे यदि आप कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आप अपने जियो सिम कार्ड के इंटरनेट से ही अपना फ्री फायर आईडी को लॉगिन भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन सा है वो सेटिंग्स जिसे करने पर आप अपने जियो सिम कार्ड के इंटरनेट से ही अपना फ्री फायर आईडी को लॉगिन करके खेल सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना फ्री फायर ऐप को ओपन कर लिया है और दोस्तों ये जो फ्री फायर ऐप है ये नॉर्मल फ्री फायर है, मतलब इल्यूमिनेट है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे फ्री फायर मैक्स को भी ओपन किया है, आप सब देख सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को दोनों ही एप्लीकेशन के माध्यम से दिखा सकूं कि जियो सिम कार्ड के इंटरनेट से ओपन हो रहा है या नहीं। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे फोन में अभी जियो का सिम कार्ड है और जियो के सिम कार्ड से ही मैंने यहाँ पे अपना इंटरनेट को ऑन किया है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल फ्री फायर में, मतलब फ्री फायर इल्यूमिनेट में लॉगिन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो मेरा जो फ्री फायर आईडी है वो फेसबुक से बना हुआ है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे फेसबुक वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर दिखाया जा रहा है। तो यदि आप भी जियो सिम कार्ड का इंटरनेट यूज करते हैं तो ऐसे में आपको भी अपना फ्री फायर आईडी लॉगिन करने पर कुछ इस टाइप का एरर दिखाया गया होगा, या फिर दोस्तों आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं तो भी दोस्तों ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है यदि आप जियो सिम कार्ड का इंटरनेट यूज करते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी फ्री फायर मैक्स को ओपन किया है, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जियो सिम कार्ड का इंटरनेट ऑन किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपना आईडी लॉगिन करने के लिए फेसबुक वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्री फायर मैक्स में भी ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। तो यदि आप भी जियो सिम का इंटरनेट यूज करते हैं और फ्री फायर में अपना आईडी लॉगिन करने पर यदि आपको भी एरर वाला प्रॉब्लम दिखाया जा रहा है तो इस केस में कौन सा सेटिंग्स आपको करना है आपको अपने फोन में, वो आप अभी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों यदि आप उस सेटिंग्स को कर लेते हैं ना तो ऐसे में दोस्तों आपके इंटरनेट को बूस्ट मिलेगा और पहले से आपका इंटरनेट काफी हाई स्पीड में चलने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों फ्री फायर गेम भी एक छुटकी में लॉगिन हो जाएगा और आप खेल भी सकेंगे आपके जियो सिम कार्ड के इंटरनेट से ही, आपको पिंग भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फोन में अपना सेटिंग्स ओपन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना सेटिंग्स ओपन कर लिया है, तो सेटिंग्स ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है, तो क्या टाइप करना है वो आप देख लीजिए। तो सिंपली से आपको यहाँ पे टाइप करना है प्राइवेट DNS। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्राइवेट DNS टाइप करके सर्च करेंगे तो ऐसे में दोस्तों आपके सामने ये वाला सेटिंग्स देखने को मिलेगा प्राइवेट DNS। तो इस पर आपको सिंपली से प्रेस करना है। प्रेस करने पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको अपने फोन में प्राइवेट DNS वाला सेटिंग्स जो है वो आपको यहाँ पे ऑफ दिखने को मिलेगा, तो इसे ही आपको यहाँ पे इनेबल करना है। तो सबसे पहले मैं इस सेटिंग्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ, नहीं तो दोस्तों आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि इस सेटिंग्स को इनेबल करने पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि एंड्रॉइड के अंदर प्राइवेट DNS वाला सेटिंग्स खास करके इस रीजन से दिया गया है कि काफी बार हम लोग क्या करते हैं कि काफी सारे वेबसाइट में विजिट करते हैं और काफी सारे लिंक में भी क्लिक करते हैं और तब दोस्तों कई बार हमारा डाटा भी लीक होने का चांस रहता है और अपना फोन भी हैक होने का चांस रहता है। लेकिन दोस्तों यदि आप अपने फोन के प्राइवेट DNS वाला सेटिंग्स को इनेबल करके किसी भी वेबसाइट में विजिट करेंगे ना तो ऐसे में दोस्तों आपका डाटा जो है वो चोरी नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों किसी भी तरीके का हैकिंग में भी आप नहीं फंसेंगे। इसका मतलब दोस्तों प्राइवेट DNS वाला सेटिंग्स एंड्रॉइड के अंदर सेफ एंड सिक्योरिटी के लिए दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप इसे इनेबल कर देते हैं ना तो ऐसे में दोस्तों आपके इंटरनेट को बूस्ट मिलेगा और हाई स्पीड में आपका इंटरनेट जो है वो चलने लगेगा। तो ऐसे में आपको यहाँ पे क्या करना है वो आप अभी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए।
तो इसके लिए नीचे जो प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम का ऑप्शन दिया गया है, तो इस वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है और आपको यहाँ पे एक होस्ट नेम डालना है। तो क्या डालना है वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों सिंपली से आपको यहाँ पे डालना है, दोस्तों कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे DNS डालना है, उसके बाद डॉट डालना है, उसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पे गूगल टाइप कर देना है। तो इस वाले होस्ट नेम को सिंपली से आपको यहाँ पे टाइप करके डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली से सेव कर देना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे सेव कर देंगे तो ऐसे में दोस्तों प्राइवेट DNS इनेबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या होता है। जैसे कि दोस्तों अभी यहाँ पे मेरा जियो का सिम कार्ड से इंटरनेट ऑन है। चलिए अभी अपना फ्री फायर इल्यूमिनेट ओपन करते हैं, उसके बाद लॉगिन करके देखते हैं कि मेरा फ्री फायर आईडी लॉगिन होता है या नहीं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे अपना फ्री फायर इल्यूमिनेट ओपन किया है और यहाँ पे मेरा इंटरनेट जियो सिम कार्ड से ऑन है। तो चलिए अभी देखते हैं कि जियो सिम कार्ड के इंटरनेट से आईडी लॉगिन होता है या नहीं। तो इसके लिए जैसे ही मैं यहाँ पे फेसबुक वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों तुरंत मेरा जो आईडी है वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो ऐसे में दोस्तों आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो फ्री फायर आईडी है वो यहाँ पे जियो सिम कार्ड के इंटरनेट से ही तुरंत लॉगिन हो चुका है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी अपना फ्री फायर मैक्स को ओपन करते हैं, उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि फ्री फायर मैक्स में जियो सिम कार्ड के इंटरनेट से आईडी लॉगिन होता है या नहीं। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे फ्री फायर मैक्स को ओपन किया है, तो चलिए अभी यहाँ पे फेसबुक वाले ऑप्शन पे प्रेस करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फेसबुक वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों तुरंत मेरा जो फ्री फायर आईडी है वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे टैप टू बिगिन करते हैं, तो ये देखिए दोस्तों मेरा जो आईडी है वो यहाँ पे फर्स्टली ओपन हो चुका है। तो दोस्तों यदि आप अपने फोन के प्राइवेट DNS को इनेबल कर देते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपका जो इंटरनेट है हाई स्पीड में चलने लगेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था लेकिन दोस्तों एक प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या बोलते हैं। हेलो ब्रो, सुजन ब्रो। हेलो सुजन ब्रो, ब्रो। हाँ। हेलो सुजन ब्रो। हेलो सुजन ब्रो। हेलो सुजन ब्रो। हेलो सुजन ब्रो। यार स्कैनर गिफ्ट कर दो। हाँ बोलो भाई, स्कैनर गिफ्ट कर दो यार, तुमने बोला था। है ना भाई। हेलो सुजन ब्रो, क्या चाहिए भाई? स्टाइलर भाई, स्टाइलर स्टाइलर तो यार मैंने टाइम के ले लिया है, स्टाइलर ले लो। ओके भाई, हाँ भाई बोलो। लव यू। ओके ब्रो, लव यू टू ब्रो, दिल से। ओके भाई, आया नहीं यार, अभी आया नहीं। ऐसे एक वीडियो नहीं control controlling your environment. Serve light, hero of the night to take flight. Booyah. Susan bro, for a fight, it's on site. Taking a leap, playing the game of life. My no surprise from the ashes, champion. Technical top support. Hello bro, thank you bro, thank you bro, love you bro, love you. Thank you bro, thank you bro. तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने ये समझ लिया है कि यदि आप जियो सिम कार्ड यूज करते हैं और ऐसे में यदि आपके जियो सिम कार्ड के इंटरनेट से फ्री फायर आईडी लॉगिन नहीं हो रहा तो इसके लिए आपके फोन में कौन सा सेटिंग्स करना है। जी हाँ दोस्तों, आप इस सेटिंग्स को कर लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों 100% में गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका जो फ्री फायर आईडी है वो लॉगिन भी हो जाएगा और आप जियो सिम कार्ड के इंटरनेट से ही फ्री फायर गेम को खेल भी सकेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही बताना था, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और के मन में
कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और जब अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया लाल बटन पे क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही फ्री फायर जानकारी के वीडियोस डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।